बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 सिंपलीफाई करना है। पेज 47 है, ये रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, और एक्सरसाइज है 2.4 मैथमेटिक्स से क्लास 9 का। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपने जो ना इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें फ़र्क है क्या। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने थोड़ा सा अपना माइंड को यूज़ करना है। अगर इसको पहले देखें, ये शो कर रहा है कि x की पावर 3 है और x की पावर 2 भी है, सबकी पावर है ना, ठीक है। तो जब इसकी पावर ये भी होगी तो ये भी होगी, तो डबल पावर्स हैं, तो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होगी, मल्टीप्लाई। इसको हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पर हम लिख देते हैं x पावर 6। तो ये जो है x, ये वाला देखते हैं x पावर 3 और उसकी पावर 2। अभी जो 2 जो है ना, ये x की पावर नहीं है, ये 3 की पावर है, यानी 3 स्क्वायर है, ठीक है। फर्क क्या है कि ये 2 की पावर नहीं है, ये इसकी 3 स्क्वायर है, इसकी पावर है 3 पावर 2, 3 रेस्ट पावर 2, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3 ये होता है 9। तो हम इसको लिखेंगे x रेस्ट पावर 9, इसको हम लिखेंगे x रेस टू पावर 9। अब हम हमें पता है कि जब ये डिवाइड हो रही होते हैं और ये जो है ना बेस सेम है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये 6 माइनस 9 हो जाएगा। अब 6 माइनस 9 क्या होता है, माइनस 3। तो इसमें जो रूल है वो ये होता है कि अगर x की पावर माइनस एन है तो होता है 1 ओवर x की पावर n, नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर x की पावर 3, ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1 ओवर x क्यूब,